हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। आज हम बनाने वाले काउ फार्म, जिससे हमें मिलने वाला लेदर और कुब मटन। ये देख सकते हो घर के बाहर कौन नाच रहे अपने। रेडर्स फिर से आ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट में तो हमने इन्हें मार दिया था, पर अब ये खुले घूम रहे हैं। इनको मारना थोड़ा मुश्किल होने वाला है, तो मैं इनसे पंगा नहीं लेने वाला हूँ। और अभी वैसे भी हमें फार्म बनाना है, तो अभी मैं बनाने वाला हूँ डिस्पेंसर। तो डिस्पेंसर के लिए मुझे लगने वाले कोबल स्टोन, कुछ इस तरह से मैं कोबल स्टोन अरेंज कर दूंगा। रेड स्टोन रख दूंगा यहाँ पे और एक बो रख दूंगा यहाँ पे, तो अपना डिस्पेंसर रेडी हो जाएगा। इस तरह से मैं तीन डिस्पेंसर बनाने वाला हूँ, तो तीन डिस्पेंसर के मटेरियल्स तो मैंने रेडी कर दिया, तो मैं बना लेता हूँ यार। मेरे पास अभी खाने के लिए कुछ नहीं है, तो अपना ऑटोमेटिक फार्म में अपने को वाटरमेलन स्लाइसेस तो मिलते रहते हैं, तो उसमें से मैं ले लेता हूँ। यहाँ से एक स्टैक ले लेता हूँ पूरा। तो जिसने भी इस फार्म की वीडियो नहीं देखा यार, मैं आप लोगों को लिंक दे रहा हूँ ऊपर आई बटन पे, आप देख सकते हो। तो अब हम बनाने वाला एक ऑटोमेटिक फार्म, जिसके लिए सारा सामान मैंने ले लिया हूँ। कुछ कम पड़ेगा तो अपना घर यही है, तो यही से ले लेंगे अपन। मैं यहाँ पर अपने आने वाले दो चेस्ट और यहाँ पे अपने हॉपर आने वाले। पहले चेस्ट लगा लेते हैं। ये हो गई अपनी डबल चेस्ट। अब हम यहाँ पे हॉपर लगाने वाले हैं। तो हॉपर ऐसे लगाने अपने को जैसे एक कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे भी अगर कुछ गिरा दे अपन, जैसे कि ये गया अंदर, और ये हॉपर से ये हॉपर में जाके सेंटर में एक ऑब्जर्वर लगाना है। तो ये लग गया है अपना ऑब्जर्वर, जो फ्रंट साइड में फेस हो रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वॉल बना देता हूँ इसके पीछे। मैंने एक ऑब्जर्वर के बैक साइड में पूरी एक वॉल बना दिया छोटी सी। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपने डिस्पेंसर लगाने हैं। तो एक डिस्पेंसर यहाँ आने वाला है, एक यहाँ आने वाला है और एक यहाँ आने वाला है। तो मैंने इसकी हाइट एक और ब्लॉक ऊपर कर दिया। अब मैं इसे कवर कर देता हूँ पूरा। तो अभी पहले मुझे यहाँ पे इस ऑब्जर्वर के आगे एक बटन लगाना है। तो इस स्टेयर को मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, अपसाइड डाउन। हाँ, ये परफेक्ट लगाया हो। ऊपर से भी बंद कर दिया मैंने इसको, और सिर्फ एक सेंटर में गैप रखा हूँ जहां से अपनी काव एंटर करने वाली है। तो अभी यहाँ पे मुझे एक ट्रैप डोर लगाना है। ये परफेक्ट लगा है, यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके, तो ये ट्रैप डोर परफेक्ट लगे अपने। मैं यहाँ पे भी एक ट्रैप डोर लगा दे, यहाँ पे भी एक लगा देता हूँ, यहाँ पे भी एक लगा देता हूँ। तो नेक्स्ट काम जो बचा है वो ग्लासेस लगाना है यहाँ पे। तो मैंने इसके लिए ब्लू ग्लासेस बनाया हो, तो ब्लू ग्लासेस मैं लगा देता हूँ इधर।
तो मैंने एक टेम्पररी स्टेयर्स बनाया है यहाँ पे, जहां से मैं अपने काउस को ऊपर लेके जा सकता हूँ। तो इतना काम तो हो चुका है, अभी ऊपर हमें लीवर लगाने दो। एक मिनट, पहले तो मुझे यहाँ पे एक बटन लगाना है यहाँ पर, और यहाँ पे दो लीवर मैं बनाने वाला हूँ अपने ट्रैप डोर से। ट्रैप डोर एक्टिवेट है, बंद या चालू कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने ट्रैप डोर बंद ही रखा हूँ, तो वो लीवर से मैं बंद या चालू कर सकता हूँ इस ट्रैप डोर को। तो नेक्स्ट काम जो आता है वो है अभी काउस को लेके आना। तो जब मैं ऑफलाइन खेल रहा था तब मैंने कुछ काउस को पकड़ के रख दिया था और उससे बेबीज भी ले लिया था, ब्रीडिंग भी कराया था उनकी, और मेरे पास बहुत सारे काउस आ चुके हैं, थोड़े बहुत है, तो उन्हीं को पकड़ पकड़ के लेके जाना होगा यहाँ से भी। नेक्स्ट काम जो मुझे पहले ही कर देना चाहिए था वो था एक बकेट ऑफ वाटर और दो बकेट ऑफ लावा लेके आना है, तो मैं वो लेके आता हूँ। पानी तो होगा मेरे पास यहाँ पे, तो अनलिमिटेड सोर्स है पानी का, पर लावा मुझे नीचे से जाना पड़ेगा जहाँ पर अपन ने माइनिंग की है। तो बकेट देखो यहाँ पे मिल गया मेरे को, एक बकेट खाली बकेट यहाँ पर, दो बकेट। तो मैं नीचे जाता हूँ और लावा लेके आता हूँ। तो एक और नया दिन हो गया है अपने माइनक्राफ्ट में, और जो लास्ट काम बचा है वो कर लेता हूँ। पीछे से कर लेता ऊपर वाले, इसमें अपने को डालना है पानी, नीचे में अपने अगर लावा बकेट, और इसमें भी अपने को लावा ठीक है। वो ट्रैप डोर जैसे ही मैं खोल दूंगा जो भी इनके बच्चे हो गए वो सीधा नीचे गिरेंगे, यहाँ पे नीचे गिरेंगे इस ट्रैप डोर पे, और फिर हम इस बटन को दबा के यहाँ पे लावा गिरा देंगे। लावा ओके। तो एक चीज जो मैंने नहीं किया वो है रेड स्टोन, तो जो डिस्पेंसर के पीछे जो ये वाला ब्लॉक है ना, यहाँ पे हमें लगाना है तो अब जब भी हम इस बटन को प्रेस करेंगे ना, तो इसमें से लावा देख सकते हैं। और जो यहाँ पे बच्चे हो गए, मतलब बच्चे नहीं, जो बड़े हो जाएंगे जिसे एडल्ट हो जाएंगे तो वो मर जाएंगे। पहले तो मैं अपने जो ऊपर भाई इसको बंद जैसे बंद कर दूँ। अरे भाई गलत, क्या हो गया ये यार, देखने को क्या हो गया अपने साथ। ओ तो सीन ये था कि अपन ने यहाँ पे लगाए थे एक वुड वाला, तो भाई वुड नहीं लगाना है अपने को, कोवर स्टोन या फिर स्टोन्स का कुछ लगाना पड़ेगा। तो मैंने वहां पे एक वुड लगाया था डार्क वुड, गलत हो गया। तो यहाँ पे अब लगता है एकदम परफेक्ट हुआ है, और ये जो रेड स्टोन है उसको यहाँ पर रखना है ओके।
ये अभी परफेक्टली काम कर रहा है। अरे भाई भाई, ये खुल कैसे रहा है बार बार? तो चलो यार, अभी काव लेके आते हैं। वो बंद ही नहीं हो रहा है, बटन बटन तोड़ देता और वो। भाई देख रहे हो, सब जल ही जा रहा है। और दैट तो एक और दिन हो चुका है माइनक्राफ्ट का, और देखते हैं इस बार। और ये अपने काउस भी बड़े हो चुके हैं, एक हो गई है, एक नहीं हुई। मैं अब भाई भाई, भाई, भाई। देख सकते हैं जल रही है। तो मैंने इस दर एक नया टेक्निक यूज किया, और इधर मैं बटन की जगह अपना लीवर यूज करने वाला हूँ, क्योंकि भाई अपना बटन तो चल ही नहीं रहा था। पता नहीं क्या इशू आ रहा था बटन का, जब भी बटन दबा रहा था ऑटोमेटिक आ रहा था। और देखते हैं अपन क्या मिला है। तो देख सकते हैं दो स्टेक और लेदर मिला है। तो यहाँ मैंने यूज किया ऑब्जर्वर के ऊपर एक लीवर, तो अभी ये चल रहा है, सही से चल रहा है लीवर की वजह से। जब जब हम लीवर को प्रेस करते हैं तो बराबर चलता है। और यहाँ पे एक जली है, तो हमने दो काउस टोटल मारे, मतलब जलाए है। तो देखते हैं हमें चेस्ट में क्या क्या मिल रहा है। तो हमें मिले 3 लेदर और 3 स्टैक। तो जैसे जैसे अभी पहले तो मैं ऊपर ऊपर वाले जितने भी है उनको थोड़ा ज्यादा करने वाला हूँ, ताकि मेरे मेरे को ज्यादा से ज्यादा नीचे बच्चे मिले। और जैसे ही वो एक दिन माइनक्राफ्ट का एक दिन हो जाता है, वो बड़े हो जाते हैं, और फिर उन्हें जला के अपन लेदर और स्टिक ले सकते हैं। तो ये रहा अपने फार्म का फाइनल लुक, जो मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेट कर दिया हो, यहाँ पे लाइटिंग वगैरह लगा दिया हो। तो चलो गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जिसने भी लाइक नहीं किया यार, लाइक कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर देना, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ।